बीजेपी नेता माधवी लता उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर माधवी लता ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान वो दर्शन करते ही भावुक हो गए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू और महाकाल के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाए बैठी रही। इस दौरान उन्होंने वहां साधना की और फिर आरती में शामिल हुए। आरती के दौरान माधवी लता महाकाल को निहारती नजर आई। दर्शन करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम पहली बार आए हैं महाकाल के दर्शन को। जब महाकाल के इस महाआरती में जब हम बैठे थे, जो ऊर्जा और कई अधिक हमारे अंदर हुई है, बस यही उज्जैन में हम फिर से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि सारी ऊर्जा हम देश को उज्ज्वल भारत बनाने के इस प्रयाण में लगा देंगे, आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक। जितने संत महान पुरुष इस भारत देश को अखंड भारत बनाने की और इस भारत देश में सनातन धर्म का संस्थापन करने के, संरक्षण करने की जिस प्रयास को लेकर वो आगे बढ़े हैं, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे और देश का संरक्षण के लिए हमारा पूर्ण समय और हमारा जीवन इसी पर व्यक्त करेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.